अयोध्या रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष संत दिलीप दास त्यागी महाराज दो दिवसीय प्रवास के दौरान ब्यावर पहुंचे। इस दौरान महाराज स्टेशन रोड स्थित हनुमंतेश्वर बालाजी शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संत मंडली के सानिध्य में हनुमान जी का आशीर्वाद किया। महाराज के मंदिर आगमन पर मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा के सानिध्य में सदस्यों और उनके अनुयायियों ने संत दिलीप दास और उनके साथ आए हुए संत मंडली के महंत श्री हरिनारायण दास जी महाराज, महंत श्री नीलमणि आचार्य जी महाराज और महंत श्री विंध्याचल दास जी महाराज का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूद भक्तजनों को संबोधित करते हुए दिलीप दास महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री और धर्माचार्यों के सानिध्य में रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे। उसके पहले फरवरी 2023 में अयोध्या में रघुवंश संकल्प ट्रस्ट द्वारा 2018 से देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली गई संकल्प यात्रा के 5 साल पूर्ण होने पर 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। उसके बाद देश भर में राम राज्य की जागृति के लिए सबके राम सब में राम यात्रा निकाली जाएगी। संत स्वागत के दौरान मंदिर विकास समिति अध्यक्ष रमेश शर्मा, अशोक मूलचंदानी, अमरचंद कुमावत, मनोज स्वामी, मोहन सिंह ठेकेदार, दीपू मूलचंदानी, नरेश बंसल, लवीना, राजेश शर्मा, विमल बंसल, बाबूलाल भादा और लक्ष्मीकांत सहित अन्य उपस्थित रहे।